हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यस टेक्निक में। यस टेक्निक जो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वीडियोस प्रोवाइड करती है। तो हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करते हैं आपको, इसलिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए जब भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आया करें, और हमारी वीडियो जब देखें अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर तो करा करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं आपके लिए कंटेंट लाने की। इतनी मोटिवेशन आ जाती है हमारे अंदर कि आपके लिए देख रहे हैं आपकी कैसी एनिमेशन तक वीडियो ढूंढते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, इंडक्शन मोटर की वर्किंग है आज का हमारा टॉपिक, यानी कि वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है। दुनिया में आपका 50% लोड हमारा मोटर्स का होता है पावर का, और जिसमें से मोटर का जो पूरा लोड होता है उसमें से 90% लोड भी आपका इंडक्शन मोटर्स का होता है। इंडक्शन मोटर यानी कि ऐसी मोटर जो सबसे ज्यादा प्रयोग होती है आपके ट्रिमर में, इंडक्शन मोटर है आपके फैन में, इंडक्शन मोटर है आपकी मोटर पानी का मोटर, वो भी इंडक्शन मोटर है। तो इंडक्शन मोटर इतनी मोटर है कि मतलब आपके चारों ओर इंडक्शन मोटर भरी पड़ी हुई है। तो इंडक्शन मोटर, अब आप क्या पढ़ने वाले हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग पढ़ने वाले हैं। और देखिए हम पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये मोटर किसने इन्वेंट की थी। ये इन्वेंट की थी निकोला टेस्ला ने, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि दुनिया में 50% लोड मोटर्स का है, जिसमें से पूरी मोटर्स में से लोड 90% इंडक्शन मोटर्स का है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है। अब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन डायग्राम हम पहले बना चुके हैं, कंस्ट्रक्शन की पूरी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। जिसको डीपली पढ़ना है वो पहले वाली वीडियो जरूर देखे जाके, ठीक है। और रोटर की टाइप्स भी वहां पर बताए जा चुके हैं। तो आज हम वर्किंग बताएंगे पूरी, और साथ में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपको बता देंगे ताकि वर्किंग में आपको समस्या ना आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो देखिए ये एनिमेशन डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये आपको कौन सी मोटर दिखाई जा रही है, ये आपको दिखाई जा रही है इंडक्शन मोटर। देखिए रोटेट हो रही थी अभी, ये बाहर से कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ठीक है। मतलब ये आपका स्टेटर फ्रेम है, ये बाहर से इंडक्शन मोटर ऐसी दिखाई देती है। हमने इंडक्शन मोटर चलाई, ठीक है। अब देखिए इंडक्शन मोटर के इंटरनल पार्ट्स, ये क्या है हमारा रोटर, ये हमारा क्या है रोटर, और ये हमारा देखिए ये क्या है स्टेटर कोर। स्टेटर कोर में ये क्या डली हुई है, स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। अब स्टेटर वाइंडिंग डली है तो पहले रोटर कोर को आयरन दीजिए। ये हमारा रोटर वाइंडिंग में हम क्या, वो स्टेटर वाइंडिंग में क्या देते हैं, हम इनपुट देते हैं। देखिए देखिए स्टेटर कोर आप देख पा रहे होंगे, ये पतली पतली सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन है। ये पतली पतली सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन जब आपस में कस दी जाती है तो क्या बनती है, सिलेंड्रिकल स्टेटर कोर, जिसके अंदर वाले परिधि यानी कि अंदर वाले भाग में क्या कटे हैं, ये स्लॉट्स कटे हुए हैं। तो ये स्लॉट्स क्या कहलाते हैं, स्टेटर स्लॉट्स। इन स्लॉट्स में हम क्या डालते हैं, स्टेटर वाइंडिंग, जो कि किसकी बनी होती है, कॉपर की। देखिए वो भी आपको डालना दिखाते हैं हम। ये देखिए ये अंदर गई हमारी, देखिए हमारी डल गई स्टेटर वाइंडिंग। तो ये स्टेटर वाइंडिंग किसकी बनी है, कॉपर की बनी हुई है। ये कैसी वाइंडिंग होती है, थ्री फेज वाइंडिंग होती है। इसका काम क्या होता है, इसमें जब हम थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं तो ये हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसके पोल्स रोटेट होते हैं। देखिए आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पहले मैं दिखा दूं कैसी होती है। जैसे कि देखिए ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारे एन और एस रोटेट हो रहे हैं, मतलब एक साइकिल पूरी कर रहे हैं। ये आपको अभी भी दिखाया हुआ, तो एक प्रकार से ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जिसके पोल्स क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, मतलब टाइम के साथ घूम भी रहे हैं। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बन गई। अब हमारा मतलब जो रोटर है वो कैसे रोटेट होता है ये हम देख लेते हैं। पहले उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, मतलब एक लॉ देख लेते हैं। वो लॉ है हमारा कौन सा है, वो लॉ है हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ देखेंगे हम। तो लेंज भैया एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या, फैराडे ने हमें ये बता दिया था कि कोई कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिससे इंड्यूस करंट फ्लो हो जाती है। उसके बाद लेंज आए, लेंज ने क्या कहा, इंड्यूस करंट फ्लो तो हो जाती है पर ये इंड्यूस करंट की एक डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन कैसी होती है ये मैं बताता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा हमसे कि
जब किसी कंडक्टर में इंड्यूस करंट फ्लो होती है तो वो इंड्यूस करंट उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। अब उत्पत्ति उस कारण का विरोध करती है, विरोध करती है मतलब ये कैसे कैसे करती है ये हम समझते हैं। जैसे कि क्या होता है, ये जैसे कि हमारी एक कॉइल है, इसमें हमने करंट की प्रेजेंस को देखने के लिए एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए एक मैग्नेट है जिसका ये हमारा एन पोल है, ये हमारा एस पोल है। अब क्योंकि मैग्नेट है तो इसके चारों एक मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी ही बनेगी, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ये तो आपको पता है, आप 10th में भी पढ़ के आए होंगे। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की है, ठीक है। अब ये मैग्नेट हम क्या कर रहे हैं, कॉइल के पास ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉइल के पास ले गए। अब अपने पास ले गए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपको दिख रही है ये क्या होंगी, कॉइल्स के द्वारा, कॉइल के द्वारा कट हो जाएंगी। अब कट होंगी तो क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल में। अब क्योंकि कॉइल शॉर्ट है तो इसमें क्या होने लगेगी, एक इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगी जिसकी करंट हमने डायरेक्शन मान ली ये है, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर क्या लगा है, केवल करंट की प्रेजेंस को देखने के लिए, करंट फ्लो होने लगी। अब हमें लेंज ने क्या बोला, ये इंड्यूस करंट उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई। अब वो कारण देखिए, क्या ये मैग्नेट को जब हम पास ला रहे थे तभी तो ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी ना, मतलब फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स, तभी तो ये हमारी कॉइल के द्वारा कट हो रहा था। तो कारण क्या हो गया हमारा, कि जब हम मैग्नेट को पास ला रहे थे, इस कारण का मतलब मैग्नेट के पास आने का विरोध करना है इंड्यूस करंट को, तो इंड्यूस करंट इसके लिए क्या करेगी, ये कॉइल का जो मैग्नेट के पास वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये कैसा बिहेव कर जाएगा आपका, एन की तरह, मतलब ये अगर मैग्नेट के पास वाला पोल एन है तो ये एन की तरह, मतलब सेम पोलैरिटी बना लेगा। सेम पोलैरिटी क्यों बना लेगा, क्योंकि जब दो, आपको पता है मैग्नेट के दो सेम पोल से बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, मतलब जब ये पास आएगा तो पास आने का विरोध करने के लिए कॉइल के पास वाला सिरा मैग्नेट के सिरे के समान बन जाता है, मैग्नेट के पास वाला सिरा कॉइल का मतलब सेम पोलैरिटी का बन जाता है, जिसकी वजह से, अब सेम पोलैरिटी हो गई तो सेम पोलैरिटी हो जाने के वजह से इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा कि अट्रैक्शन फोर्स होगा, आप बताएंगे कि रिपल्सन फोर्स होगा, क्यों, क्योंकि भैया जब दो मैग्नेटिक पोल्स सेम हो तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स होता है, ये तो जगत से चलती हुई बातें हैं, ये तो हम हमेशा अपन को पता ही होती है, ठीक है। तो रिपल्सन फोर्स होता है, ओके। अब रिपल्सन फोर्स है तो ये रिपल्सन फोर्स क्या करेगा, दोनों को पास नहीं आने देगा, मतलब जो हमारी कॉइल है जो इसके मैग्नेट इसके पास आई थी इसका विरोध करना था इसे, तो अब रिपल्सन फोर्स की वजह से जो हमारा किसका विरोध करेगी, कि मैग्नेट के पास आने का, यही हमें लेंज ने बताया, ठीक है। अब लेंज ने चलो ये कंडीशन बता दी मैग्नेट के पास आने पर, अब हम अगर मैग्नेट को दूर ले जाए तब कैसा होगा, तो वो भी हम एक बार देख लेते कि हम मैग्नेट को जब दूर ले जा रहे हैं तो क्या होगा। तो हम मैग्नेट को जब पास ला रहे थे तब हमने कंडीशन देखी, ठीक है। अब हम मैग्नेट को जब दूर लेके जाएंगे तब हम कंडीशन देखेंगे, तो देखिए क्या होगा जब हमारा मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं, ये हमारा क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, जिसके एन और एस पोल्स है और हमेशा एन में एन से एस की ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। और ये कॉइल हमारी लगी हुई है, इस कॉइल में करंट की प्रेजेंस को देखने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, कॉइल को सर्किट क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, पहले केस में हम मैग्नेट को क्या कर रहे थे, पास लेके आ रहे थे किसके, कॉइल के। अब हम दूसरे केस में क्या करते हैं, मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हैं, तो ले जाइए भैया, तो मैग्नेट को हम किससे दूर ले गए, कॉइल से। अब मैग्नेट के दूर जाने में भी ये फील्ड लाइन्स थी जो क्या क्या हुआ, हमारे कॉइल्स के द्वारा कट हुई। अब कॉइल्स के द्वारा कट हुई तो क्या हुआ,
इस कॉइल में क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब क्योंकि ये कॉइल मतलब क्लोज सर्किट में है तो इसमें एक इंड्यूस करंट भी फ्लो होगी, इंड्यूस करंट भी फ्लो होगी। इंड्यूस करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, ये उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई। मतलब वो कारण क्या है, मैग्नेट का दूर जाना। मतलब ये कॉइल मैग्नेट के दूर जाने का विरोध करेगी, मतलब उसको अपनी ओर खींचेगी या उसके पीछे, मतलब उसके बीच में, उसके इन दोनों के बीच में आकर्षण होना चाहिए विरोध होने के लिए। तो क्या होगा, जो कॉइल का मैग्नेट के पास वाला सिरा है ये अपोजिट पोलैरिटी बना लेगा। अपोजिट पोलैरिटी मतलब ये अगर एन है तो ये एस बन जाएगा, अगर ये एस है तो ये एन बन जाएगा। मतलब ये एन है ना तो कौन सा पोल बन जाएगा, एस बन जाएगा। अब अपोजिट पोलैरिटी हो गई तो आप, हमको पता है जब मैग्नेट के दो पोल्स अपोजिट होते हैं तो उनके बीच रिपल्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स। अब आप कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स, तो बिल्कुल सही बच्चा, अट्रैक्शन फोर्स होगा इन दोनों पोल्स के बीच में, जिसके वजह से क्या होगा, ये कॉइल मैग्नेट के दूर जाने का विरोध करेगी। यही हमारे लेंज ने बताया, ठीक है। लेंज ने हमें ये बता दिया कि जब हमारी मैग्नेट दूर जा रही है तो कॉइल के पास वाला सिरा इसके अपोजिट हो जाएगा, पास वाले पोल के अपोजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा। और जब पास आएगी तो कॉइल का मैग्नेट के पास वाला सिरा मैग्नेट के सेम पोलैरिटी बना लेगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल पर हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है ये बात हम जान लेते हैं। अब जैसे कि ये हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये रोटेट हो रही है, ठीक है। अब ये रोटेट होते हुए क्या हुई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हुई। देखिए रोटर हमें दिखाया गया, ये कैसा रोटर है, स्क्वायर केज, ठीक है। आपको ये तो याद होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर के टाइप क्या होते हैं, स्क्वायर केज इंडक्टर, स्क्वायर केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर। तो यहाँ पे जैसे कि स्क्वायर केज रोटर दिखा रहे हैं, तो क्या है, ये हमारी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटेट होते हुए इसका फ्लक्स कहाँ पर आया, रोटर वाइंडिंग के चारों ओर एयर गैप से पास होगा। किसके बीच में था एयर गैप, स्टेटर और रोटर के बीच में। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स एयर गैप से पास होकर रोटर कंडक्टर्स के चारों ओर आया और रोटर कंडक्टर्स के घूमते हुए रोटर कंडक्टर्स के द्वारा कट हुआ, ठीक है, कट हो गया। अब आप देख रहे हैं जो पोल्स है हमारे, ये पोल्स क्या कर रहे हैं, ये रोटेट हो रहे हैं। तो एक बात बताइए, जैसे कि रोटेट हो रहे हैं, लेंज लॉ में हमने क्या देखा था, जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे थे तो कॉइल जो कि जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था तो उसके पास वाला सिरा पोल के अपोजिट पोलैरिटी का बन जा रहा था कि नहीं बन जा रहा था। तो ऐसे ही रोटर कंडक्टर, ये जैसे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसका फ्लक्स रोटर कंडक्टर्स के द्वारा कट हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब इस ये पोल क्योंकि रोटेट हो रहे हैं तो एक प्रकार से हम ये कहें तो ये पोल दूर जा रहे हैं, तो रोटर कंडक्टर्स में भी एक क्योंकि करंट इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से जिसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए कि ये विरोध करे किसका, वो उस कारण का जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति हुई। और वो कारण क्या है, मैग्नेट मतलब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेट मैग्नेटिक फील्ड के पोल जो रोटेट हो रहे हैं, रोटेट होते हुए इनने क्या किया, रोटर कंडक्टर्स के द्वारा कट हुआ फ्लक्स। तो क्या हुआ, रोटर कंडक्टर्स का जो ये जैसे कि ये पास में साउथ पोल है, तो रोटर कंडक्टर का ये वाला सिरा जो है जो इसके पास है साउथ के, ये कौन सा पोल बन जाएगा, एन, क्योंकि ये दूसरी साइड जा रहा है ना, तो इसका विरोध करने के लिए क्या करेगा, ये अपोजिट पोलैरिटी बना लेगा। अब दोनों अपोजिट पोलैरिटी बना लिया तो दोनों पोल्स के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है तो क्या होगा, जब एस पोल जैसे कि अगर इस साइड जाएगा, मतलब एस पोल इस एन पोल से दूर जाने की कोशिश करेगा, तो एन क्या होगा, उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागेगा। मतलब जब एस पोल जैसे कि उस बन रहा था, अब वो अपोजिट पोलैरिटी वाला पोल जब दूर जाएगा तो वो पोल जो रोटर कंडक्टर्स में बना है उसके पीछे पीछे, मतलब उसके दूर जाने का विरोध करने के लिए उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। यही तो हमें लेंज लॉ में बताया है कि जब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स कट किया जाता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल जिस कंडक्टर के पास होता है उस कंडक्टर में उस पोल के अपोजिट पोलैरिटी का पोल बन जाता है, जिसकी वजह से जब वो
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पोल रोटेट होता है तो उसके पीछे पीछे क्या होता है, हमारा रोटर भी रोटेट होता है। इस प्रकार क्या होता है, जो हमारा पोल्स रोटेट होते रहते हैं और रोटर भी हमारा उसको विरोध दूर जाने का विरोध करने के लिए रोटेट होने लगता है और इस प्रकार हमारा रोटर रोटेटिंग करने लगता है। अब क्योंकि ये रोटर हमारा सिंक्रोनस स्पीड, मतलब जो कि हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें जो पोल्स जो जिस स्पीड से रोटेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को अगर हम एक प्रकार से बोले तो उसको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड को हम हमेशा, देखिए एक बात से याद रखिए, सिंक्रोनस स्पीड को हमें हमेशा एनएस से दिखाएंगे। अब क्योंकि एनएस की स्पीड से जो पोल्स रोटेट हो रहे हैं इनकी वजह से रोटर क्या हो, इन पोल्स के पीछे भागता है जिसकी वजह से रोटर भी रोटेट होता है। तो पीछे भाग रहा है भैया, चलो आपसे कहें एक व्यक्ति भाग रहा है उसके पीछे दूसरा व्यक्ति भाग रहा है तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, जो आगे भाग रहा होगा, मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड के पोल्स आगे आगे चल रहे हैं तो एनएस हमारी ज्यादा होगी कि कम होगी, मतलब एनएस हमारी ज्यादा होगी एनआर से, और ये एनएस हमारी हमेशा एनआर से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एनएस को हमेशा एनआर से आगे रहना होगा, नहीं तो इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो होने की वजह से रोटर हमारा रोटेट करना बंद कर देगा। और इस प्रकार क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स रोटेट होते रहते हैं जिनके पीछे रोटर भागता रहता है, इस प्रकार हमारी मोटर की वर्किंग कंटिन्यू चलती रहती है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा रोटर का मतलब जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसमें रोटर कैसे रोटेट होता है, मतलब हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है और इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। क्योंकि अब हमारा रोटर रोटेट होने लगा है तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, टॉर्क डेवलप करेगा जो कि हमारा शाफ्ट की सहायता से एक्सटर्नल सर्किट में दे सकते हैं हम, इस प्रकार हमारी मोटर वर्क करती है। तो आपने वर्किंग को समझ लिया कि अब प्रिविजन बता दूं क्या होता है कि हमारा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें दो मेन पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर में मेन पार्ट स्टेटर कोर और स्टेटर बाइंडिंग। स्टेटर कोर जो कि सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग्स यानी कि या फिर लेमिनेशंस की बनी होती है जिनको आपस में कस दिया जाता है, इसके अंदर वाले पार्ट में स्लॉट कटे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, स्टेटर बाइंडिंग डालते हैं जो कि कॉपर की बनी होती है। अब इस स्टेटर बाइंडिंग में थ्री फेज की सप्लाई देने पर यह क्या बनाती है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स जो एयर गैप से पास होकर क्या होता है, रोटर कंडक्टर्स के द्वारा कट होता है, जिसकी वजह से रोटर कंडक्टर्स में भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से उसमें एक इंड्यूस करंट फ्लो होती है, मतलब रोटर की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो रोटर कंडक्टर्स भी कुछ पोल्स की तरीके से बिहेव करेंगे मैग्नेट के। तो क्या होगा, ये लेंज लॉ में हमने क्या देखा, इंड्यूस करंट हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई। जैसे कि हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड के पोल्स रोटेट मतलब कट कर रहे थे और उसके बाद दूर जा रहे थे, तो रोटर कंडक्टर्स में जो पोल्स बनने चाहिए वो कैसे बनने चाहिए, उसकी अपोजिट पोलैरिटी के, मतलब अगर स्टेटर में वो वहाँ पर एल पोल है तो हमारे रोटर में विपरीत पोलैरिटी मतलब एस पोल बनना चाहिए जिसकी वजह से उसके दूर जाने का वो विरोध करे। तो जैसे ही हमारा एन पोल दूर जा रहा था, हमारा रोटर में बनने वाला एस पोल उसको दूर जाने से रोकने के लिए उसके पीछे भागने लग रहा था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा रोटर रोटेट होने लग रहा था। इस प्रकार हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो वर्क कर रही थी, मतलब हमारा रोटर टॉर्क डेवलप कर रहा था जिसको हम एक्सटर्नल सर्किट में दे रहे थे। तो इस प्रकार हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग देख ली है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम लोग आपके डाउट को पढ़कर आपके डाउट को भी क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी पिछली वीडियोस देखें और इन वीडियोस का रिवाइज करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।